So you are the host and the coordinator behind it, and Radhika is going to take the interview. Is that so? Yes. All right. So can we start, Mimansha? And okay. So Indu ma'am, can you tell me exactly about yourself and how your childhood and your entire aura of your starting of your company has taken it forward? ये बहुत broad question पूछा आपने मुझसे. हाँ तो मैम हमारे पास पूरा टाइम है, हमारे पास लाइफ है, आपको पूरे जीवन कथा पूछनी आपने की क्वेश्चन. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आराम से, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू लिसन टू यू ऑल माय लाइफ. नो नो, आई थिंक आप पहले ग्रेजुअली हम यहीं पर ही पहुंचेंगे जो आपने पूछा है, बट फ्लैशबैक में एकदम से जाना एंड पूरी स्टोरी को लेना क्योंकि बहुत बिट्स एंड पार्ट्स में निकलेगा सारा कुछ, यू नो, बैक एंड फोर्थ चलेगा. So what is the top three things you would like to know about me? पहले वहां से शुरू करते हैं. Okay. Tell us about your company now. What exactly your company is all about? ये तो आपने मुझे अप्रोच किया तो आपने पूरी रिसर्च की होगी इसके बारे में. नहीं, ये चीज वो है जो आप अपने दिल से बताना चाहते हैं कि आपकी कंपनी है क्या. What exactly are you into? Okay. अगर आप रियल में जानना चाहते हो दिल की आवाज, तो ये कंपनी जो है एक माँ के दिल की आवाज है, ठीक है. एंड मैं जो भी हूँ, सबसे पहले मैं एक मदर हूँ, जिस इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ. सो इस कंपनी का जो भी कहते हैं ना कि सीख गला, दैट्स बिकॉज ऑफ माई मदरहुड एंड माई लव एंड पैशन फॉर टीचिंग एंड माई लव फॉर पैशन लव एंड पैशन फॉर टीचिंग कोई मेरे माँ बनने के बाद नहीं स्टार्ट हुआ. ये मेरे बचपन से था, जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी, मैं आई वॉज इन स्कूल. सो मैं बहुत पॉपुलर थी इस बात के लिए कि स्कूल का होमवर्क स्कूल में खत्म करना है, सो दैट आई एम नॉट कैरिंग एनी वर्क होम एंड आई शुड हैव एनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले, एंड मुझे कोई रोकेगा नहीं कि पढ़ाई करनी है इसलिए खेलने का टाइम कम है. वो मेरा एक पर्पज होता था स्कूल में खत्म करने का. एंड देन बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत होता था, तो मैं क्लास में भी एंड फ्रेंड्स मेरे जो भी हैं उनको मैं पढ़ा भी देती थी साथ साथ. ये मेरे अंदर स्किल बचपन से ये है कि जो चीज मुझे आती है मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ किसी को. ये नेचुरल था, इट केम नेचुरली टू मी एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट लाइक एनीथिंग. इवन इफ अगर बात करें नॉट एकेडमिक टीचिंग, सपोज हमारे जमाने में गली में खेलने का सिस्टम होता था जो अब नहीं है, कि आप सारे बच्चे स्ट्रीट पर आ गए एंड दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर. सो कुछ भी हो रहा है स्कूल में, देयर इज एन एनुअल इवेंट हैपनिंग इन द स्कूल, बहुत सारे रिहर्सल्स हो रहे हैं, उसके डांसेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ भी हो रहा है, मैं सब कुछ वहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन सीख लेती थी कि ये वाला डांस है, ये वाला स्किट है. एंड मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मॉम क्लासिकल डांसर थी एंड उनके घर में डांस क्लासेस लगती थी, तो मैं वहाँ वेटिंग में बैठती थी, फ्री होगी तो हम खेलने जाएंगे टाइप्स, तो मैं वहाँ बैठ के वो भी सीख लिया. अब जब मैंने सब कुछ सीख लिया तो मुझे आके वो गली में बच्चों को सब कुछ सिखाना होता था. सो यही मेरा फेवरेट प्ले टाइम होता था. तो ये जो सिखाना पढ़ाना ये मेरा प्ले टाइम था तब से. सो माय लव फॉर टीचिंग तो मेरे पास शुरू से था, बट जब मैं मॉम बनी, बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हेन आई कंसीव्ड माय फर्स्ट चाइल्ड, मैंने कंसीविंग स्टेज पे बुक्स खरीदना शुरू कर दिया. जो मैंने पहला इंसाइक्लोपीडिया खरीदा वो मैंने तब खरीदा, मैंने बस कैरिंग में दे दी. आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ की नाउ फाइनली आई हैव माय ओन चाइल्ड जिसको मैं पढ़ाने वाली हूँ. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अब इसको पढ़ाऊंगी, अभी तक मैं दुनिया को पढ़ा रही थी. सो मैंने ग्रॉलियर कंपनी का पूरा इंसाइक्लोपीडिया एंड लॉट ऑफ अदर रीडिंग एंड पिक्चर बुक्स बहुत कुछ खरीद लिया. एट दैट टाइम इट कॉस्टेड मी 13,000 विच वॉज अज ह्यूज अमाउंट फॉर मी, कि मैं 13,000 का एक पूरा इतना सारा इतनी सारी बुक्स खरीद ली. और उस बच्चे के लिए जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, मेरी नजर में वो आ चुका था, क्योंकि मेरे अंदर एक बात फील थी कि व्हेन माय चाइल्ड इज इन माय रूम वो स्टार्ट हो चुका है लर्निंग प्रोसेस. विद दैट प्रोसेस थॉट प्रोसेस मैं सारी एक्टिविटीज उस दौरान भी करती थी, बिकॉज मुझे लगता था मेरा बच्चा मुझसे सीख रहा है तब भी, कि मुझे कौन से म्यूजिक सुनना है, मुझे कौन सा, जैसे हे राम यूज टू बी माय फेवरेट जगजीत सिंह का, मैं वो सुनती थी. मैं टीवी पे क्या देख रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, आई वाज सो कॉन्शियस अबाउट बीइंग माय मदरहुड, कि मैं अपने बच्चे को क्या दे रही हूँ, मेंटल फूड एंड द डाइट एवरीथिंग.
उसके मुताबिक बच्चा भी हुआ, तो मैं फोटो भेज दूंगी. सो मतलब मैं इतनी कॉन्शियस थी कि वो कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए भी मैंने रूम में पोस्टर लगाया है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैंने व्हाइट रसगुल्ले भी खाए. मतलब मैंने हर चीज करी कि मेरे बच्चे का कोई भी एस्पेक्ट बिगड़ा हुआ नहीं हो. फ्रॉम वैल्यू सिस्टम टू हाउ माई चाइल्ड शुड लुक लाइक एंड टू द माइंड. मुझे किसी ने, मैंने ना उस वक्त में डीके की एक बुक थी प्रेगनेंसी के ऊपर, डीके इज अ वेरी रिनाउंड पब्लिशर ऑफ यूके, तो उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था हाउ इट इम्पैक्ट्स द चाइल्ड. कि अगर बच्चा नाइन्थ थर्ड ट्रेमेस्टर के एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑफ डेट तक आप डिलीवर करते हो चाइल्ड को, तो उसकी ब्रेन की ग्रोथ कैसे होती है उस लास्ट मंथ में, वो ग्रोथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है बच्चे के लिए. तो आई इंश्योर कि मैं अपना इतना ख्याल रखूं कि वो उस डेट तक जाए मेरी प्रेगनेंसी और वो उससे पहले डिलीवर नहीं हो बच्चा. मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे करने से सब कुछ हुआ है, होता तो वही है जो होना होता है, बट मेरा एफर्ट और इंटेंशन ये थी उसके पीछे, हर चीज के पीछे, कि वो इंटेलिजेंट हो तो मैं एटलीस्ट अपना थॉट प्रोसेस ठीक रहूँ, हैप्पी रहूँ, पॉजिटिव चीजें सोचूं, वॉक पे जाऊं, फ्रूट्स खाऊं, अच्छी किताबें पढ़ूं, अच्छा सुनूं, ऐसे सारा कुछ. सो अगेन कहीं ना कहीं मेरा वो जो टीचिंग फ्लेयर है टुवर्ड्स एवरीथिंग वो काम कर रहा था बैक ऑफ द माइंड में. तो ये जो मदरहुड यहाँ से मेरे अंदर जो शुरू हुआ, when I had my second child, my first child is a consistently topper since childhood. शुरू से ही आज तक भी वो बच्चा आज भी कहता है, he is studying psychology on this, is in third year now. वो ये कहता है कि I'll decide कि how much I have to score. कि मुझे अगर scholarship चाहिए तो I'll be topping my class, और मुझे नहीं मन कर रहा scholarship का तो मैं passing marks भी ले आऊंगा. But वो उससे नीचे आ ही नहीं पाया आज तक. बट व्हेन आई हैड माय सेकंड चाइल्ड मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एजुकेशन को लेके. तब मैंने ये देखा कि जो चीज़ें उसको इतना इजीली समझाती थी बड़े वाले बेटे को या और स्टूडेंट्स को भी, मैं टीचिंग में तो थी, आई यूज्ड टू टीच एट होम या फिर मैंने स्कूल टीचिंग भी की, बट जब मेरा अपना बच्चा मेरे सामने आया सेकेंड चाइल्ड, तो टीचिंग का रियल चैलेंज मेरे सामने आया कि जो अब तक मैं टीचिंग कर रही थी वो तो बहुत एफर्टलेस थी, सब कुछ अपने आप हो रहा था और मैं सोच रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ. बट मुझे पता चला मुझे अब और अच्छा टीचर बनने की अब रियल में जरूरत है, कि जिन बच्चों को समझ ही नहीं आता, जिनको हम अच्छा टीचर मानते हैं उनसे भी समझ नहीं आ रहा, उनका क्या, वो कैसे सीखेंगे. तो मुझे अपने टीचिंग मेथडोलॉजी में बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स, अपने अंदर चेंजेस, थॉट प्रोसेस में चेंज, कंपैशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बहुत कुछ और मैंने सीखा उसके थ्रू, कि एक मदर एक बच्चे के ना पढ़ने से किस इमोशनल स्ट्रेस से जाती है, बच्चे को कितना इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसकी सोशल लाइफ, उसकी इमोशनल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, हर जगह उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, वो मेरे बच्चे ने मुझे दूसरे बच्चे ने सिखाया. बड़ा बच्चा तो मुझे ये सिखा रहा था कि जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, पर छोटा मुझे सिखा रहा था जो भी आप कर रहे हो उसके बियॉन्ड भी आने की जरूरत है. तो बहुत सीखा मैंने उससे. तो ऐसी फिर वो सब चीजें चलती गई, स्कूल के बच्चे, ट्यूशन के बच्चे एंड ऑल दैट, सारी कहानियां मिलके इस कंपनी का जन्म हुआ. देन आई थॉट कि इसके दौरान 2012 टिल 2016 आई वाज वर्किंग एज एन ऑथर फॉर एमटीजी पब्लिशर्स. आई रोट 5 टेक्स्ट बुक्स फॉर देम. द बुक्स केम आउट वेरी नाइस, दे आर सक्सेसफुल एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन द मार्केट. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता रहा कि मैंने एज एन ऑथर आई कुड हैव बीन मोर I could have done more to it. But you know, when you are working for someone, जैसे अगर आप भी आज भी नौकरी करते हो तो आपकी एक लिमिटेशन होती है, आपको एक स्कोप दिया जाता है, बाउंड्री दी जाती है कि आपको इस बाउंड्री के हिसाब से काम करना है. बट वेन यू आर द ओनर देर इज नो बाउंड्री, यू हैव योर ओन विजन, यू हैव योर ओन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बहुत कुछ आपके हाथ, बहुत कुछ नहीं सब कुछ आपके हाथ में होता है. सो मैं वो करना चाहती थी जो मेरे विजन में फिट हो, वो बाउंड्री नहीं हो जिसके अंदर. Then I thought of creating this company कि अब मैं बिल्कुल abundance की दुनिया में जाना चाहती हूँ education को लेके. And वो जितना मैंने कितना 2000 में मेरा first child हुआ था, 2021 में, पिछले 15-16 साल में जो मैंने एक ट्यूशन टीचर बन के, एक स्कूल के बच्चों को अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ा के,
या अपने दोनों बच्चों को पढ़ा के या स्कूल के बच्चों को पढ़ा के, स्कूल में जो बच्चों को ब्रांड कर दिया जाता है, जैसे होता है ना नेक्स्ट क्लास में ग्रेजुएट कर गए तो टीचर्स ने आपस में पहले डिस्कस कर लिया कि अच्छा हमें बता दो कौन से अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं या कौन से अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, या पीटीएम हो रही है, पेरेंट्स आधे कुछ पेरेंट्स तो बेचारे डरते हैं स्कूल में आने से कि फिर सुनने को मिलेगा क्रिटिसिज्म, यू नो दिस लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स हैपनिंग एट द पेरेंट्स साइड ऑल्सो, जिसको कोई देख ही नहीं रहा है, उसको तो छोड़ो बच्चे का इमोशन भी नहीं देख रहे हैं, सब ये देख रहे हैं मार्क्स कितने आ रहे हैं, और मार्क्स नहीं आ रहे तो ये अच्छा नहीं है, मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा है। तो मैं इन सब चीजों को फाइट करना चाहती थी, मुझे लग रहा था कि जितना भी हम जनरेट कर रहे हैं ना सारा कुछ, या एडोलेसेंस में आकर या टीनेज में आके या यंग एडल्टहुड में आके इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। आई मेट एन इनकम टैक्स ऑफिसर, शी इज अ लेडी ऑफिसर, शी इज स्टिल एन इनकम टैक्स ऑफिसर, शी लॉस्ट अ चाइल्ड, 12th में था, टॉपर था, एंड ही टुक एन एक्सट्रीम स्टेप, ऐसे और भी बच्चों को मैं जानती हूँ। तो वो सारी चीजें भी थी मेरे बैक ऑफ द माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा भी स्ट्रेस में है, एक नालायक बच्चा भी स्ट्रेस में है, जिसको हम नालायक बोलते हैं, बच्चा नहीं मानता मैं नालायक हूँ, हम बोलते हैं नालायक है, ठीक है, एट दी एंड स्ट्रेस तो आया हर जगह पे, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है, जो अच्छा नहीं कर रहा उसको भी परफॉर्मेंस प्रेशर है। तो ये सारा थॉट प्रोसेस है, तो ये कंपनी आ गई, इस कंपनी में हम बच्चों के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द टॉप फॉर्म ऑफ वर्कबुक्स, सुनने में लगेगा सिर्फ वर्कबुक्स हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्यूरेटिंग दैट कंटेंट, टेकिंग केयर ऑफ देयर इमोशनल हेल्थ, देयर सोशल स्किल्स, एंड कंटेंट के अंदर हम जो वर्ड्स सुनते हैं, जो हम फ्लो बनाते हैं, जो हम सेंटेंसेस डालते हैं, वोकैबुलरीज चूज कर रहे हैं, उसका जो ग्रेडिंग कर रहे हैं, उसका जो प्रोग्रेस, हर चीज के पीछे एक रीजन है। मतलब मैं आज अपने कंटेंट में एक एक वर्ड के पीछे रीजन बता सकती हूँ कि इसको इस पेज पर क्यों डाला गया, इसको डाला ही क्यों गया, इसको चुना क्यों हमने, दैट इज हाउ वी हैव क्यूरेटेड द कंटेंट। सो एक और मेरे अंदर थॉट था जो मैंने सारे स्ट्रेस में देखा कि एक ट्यूशन इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, ऑल्दो आई हैव ऑल्सो बीन अ ट्यूशन टीचर बट आई वॉज वेरी सिलेक्टिव, मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते थे जिनके पेरेंट्स हर जगह से हार जाते थे, कहते थे कि हमारे बच्चे को शहर में पढ़ाने वाला भी कोई टीचर नहीं है, सबने हाथ खड़े कर दिया, तो मैं उस बच्चे को पढ़ाती थी, एंड बिलीव मी आज तक ऐसे जिस भी बच्चे को मैंने पढ़ाया है विद इन मंथ मंथ वो बच्चे ने अराउंड, नो एग्जैजरेशन ऑफ इवन 1%, एनी वेयर इन बिटवीन 70 to 85% बच्चे ने स्कोर किया विद इन 1 month, जिस बच्चे को कोई टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहता है कि ये हमारे बस की नहीं है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, आप इसे ले जाओ यहाँ से, ये नहीं कर सकता। इवन ऐसे स्टूडेंट जिनको 11th में स्कूल ने भी डिक्लेयर कर दिया कि इसको मैथ्स नहीं देंगे, ही डजंट हैव द एप्टीट्यूड टू स्टडी मैथ्स, तो उसको बहुत मेहनतों के बाद जैसे एक चांस मिला कि ठीक है, कई बार होता है ना स्कूल के ऊपर प्रेशर होता है कि ठीक है चलो एक चांस दे देते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि बच्चा करेगा तो है नहीं परफॉर्म, फिर हम इसको हटा देंगे, एंड ही स्कोर 82% इन दैट टेस्ट। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आए सामने मेरे, बहुत मेरे खुद के लिए भी केसेस हैं, एक स्टूडेंट, एक नहीं ऐसे 2-3 थे जिनके कंपार्टमेंट आया बोर्ड एग्जाम में, एंड उनके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड था प्रिपरेशन का, अगेन दे स्टडीड सेट टुगेदर फॉर ओनली अ मंथ एंड दिस फॉर डिस्टिंक्शन, जो कि पहले कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। देन देयर वाज अ चाइल्ड हु केम टू मी ऑन फ्राइडे एंड ही हैज अ टेस्ट ऑन मंडे एंड देयर वर 8 चैप्टर्स, उसको कुछ भी नहीं आता है, और वो कह रहे हैं उसकी मॉम की बस आप इसे पढ़ा दो पास हो जाए कैसे भी करके, एंड देन वी फिगर आउट अ स्ट्रैटेजी एंड वी फिक्स्ड अप 6 सेशंस फॉर दैट चाइल्ड, क्योंकि फ्राइडे टू मंडे में मैं कितना लोड करूंगी इन्फॉर्मेशन बच्चे को, वो भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, आई कैन नॉट लोड द इन्फॉर्मेशन, रट्टा भी नहीं लगवा सकती, मतलब हिस्ट्री होता तो शायद मैं उसको बिठा बिठा के रट्टा लगवा देती, वो रिप्रोड्यूस कर देता सारा, कहते हैं ना वॉमिट आउट कराता, नंबर आ जाते हैं, कुछ भी मैथ्स में तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो मुझे तो उसके दिमाग में, एंड ऐसा भी नहीं था कि ये मैंने 5 क्वेश्चन को अच्छे से करवा दिए तो इनमें से आने वाला है, कुछ छठा क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। सो वी फिगर आउट द स्ट्रैटेजी कि इतना सारा सिलेबस, ओनली 2 डेज, लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, कैसे पढ़ा जाए, एंड स्ट्रैटेजी वर्क, वी प्रिपेयर्ड ओनली 60% ऑफ द सिलेबस,
यानी कि 80 मार्क्स में से हमने 60 मार्क्स प्रिपरेशन करी एंड ही स्कोर 58 मार्क्स आउट ऑफ दैट 60 ही अटेम्प्टेड. सो इस तरह की जब सक्सेस स्टोरी सामने आती है और जब आपने इतना सारा इमोशनल स्ट्रेस खुद भी फेस किया है, बच्चों को देखा है, तो key to practice is there with all these thought processes and the product is only workbooks. Just in the name, only word lagaya hai, but there's a lot behind it. Beautiful, ma'am. Beautiful. Amazing. So your company is specifically dealing with school students? Okay. From which standard to which standard? The workbooks are for primary school, basically pre-primary and primary. But abhi bhi humare sub topics and sub classes cover nahi hai because we take a lot of time while preparing the content. Like maths is for grade 1 to 5. English is pre-primary 1 and 2. 3 is in the pipeline. Hindi is again 1 and 2. Pre-primary is not there. So, jaise jaise हमें कोई अच्छा दिल को छूने वाला वो मिलता है रिसोर्स, हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि मुझे ये बनाना है तो मैं किसी को पकड़ के हम कर लेंगे काम. सो वी टेक लॉट ऑफ टाइम. पेरेंट्स एवर बोलते हैं कि वेट द वेटिंग कि आपकी ग्रेड 3 कब आएगी. मैंने कहा इट्स इन द पाइपलाइन. कहते कब आएगी. मैंने कहा वी टेक लॉट केयर वेरी स्लो इन मेकिंग द कॉन्टेंट बिकॉज हमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चे को फूड दे रही हूँ थ्रू माई बुक्स. I'm sorry. The company is based out of which part of the country? Gurgaon. This is Gurgaon. Yeah. So when I cook food for my children in the kitchen, I really cook with a feeling. Otherwise, I won't cook. कि ये मेरे बच्चे ने खाना है तो बहुत हाइजीनिक होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, उसको उसको कितना मजा आएगा एंड उसकी हेल्थ अच्छी होगी एंड ऑल दैट. एक लंबी सी चेकलिस्ट होती है. So that is how we make the content also कि इस content को किसी बच्चे ने पढ़ना है. You know, जब एक छोटा बच्चा कुछ पढ़ता है, that's the first impression the child is getting. He is consuming that information. That means वो उसका food है, वो उसका foundation बनने वाला है. How the child is going to deal with this life. मैं information नहीं दे रही हूँ उसको. I am working on this area. ठीक है. English तो उसको वो सीख जाएगा, हिंदी भी सीख जाएगा, सब सीख जाएगा. So my intention is not to teach the subject. So this is the product for primary classes. And then again, I have my YouTube channel for senior schools. And I take one batch free of cost for senior classes. Like this last year I took for 10th. This year I'm taking for 11th. It's absolutely free. Anyone can join. But ab maine batch, once I start with the batch, I don't allow new students to enter because then the flow breaks. But it's back to the society kind of thing. I insist on concepts and practice. So ma'am, tell me one instance which you actually faced struggle while you're starting this company of yours. During the initialization stages, where you felt that yes, this would be somewhere challenging, involving a lot of struggles in it, and then you just passed out with the flying colors. अगर सच्चा आंसर सुनना है, देखो क्योंकि सोशल मीडिया एक ना मेरी फेवरेट लाइन है. आप लोग यंग हो, मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, especially किंजल. मैं अपनी टीम को हमेशा बोलती हूँ कि देयर इज अ मेजर चंक ऑफ पीपल हु एक डमी फिगर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेजरली सब जितने भी लोग हैं उनको 97% लोगों को एक कैटेगरी में डाला जा सकता है. देयर इज ओनली फ्यू पीपल हु लाई इन द अदर कैटेगरी. सो ये जो मेजर चंक है दे आर फॉलोअर कैटेगरी. उनको कुछ भी सर्व करेंगे दे आर जस्ट फॉलो. ठीक है. तो सोशल मीडिया क्यों सक्सेसफुल है आज, बिकॉज बेसिकली सब लोग फॉलोअर है एंड सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट फॉलोइंग पीपल. ठीक है. किसी ने रील बना के डाला आप उसको फॉलो करने लग जाते हो, किसी ने टिकटॉक डाला आप उसको फॉलो करने लगते हो, किसी ने एड डाला आप उसको फॉलो करने लग जाते हो. आप बस फॉलो ही करे जा रहे हो सबको. फॉलो करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए कि आपको किसको फॉलो करना है, क्यों करना है. देयर हैज टू बी अ पर्पस बिहाइंड इट. ठीक है. सो अब जहां आते हैं चैलेंज की बात, कंटेंट बनाने में देखो चैलेंज तो हर चीज में आता है, हर चीज में. कि आपकी टीम सिलेक्शन, आपका कंटेंट प्रिपरेशन, राइट फ्रॉम
content preparation to your team till the customer gets it, and then customer gets back to you with feedbacks, positive or maybe something or other. हालांकि मेरे पास 99.9% पॉजिटिव ही है, 0.1 आता है, बट वो 0.1 भी 99.9 को 100 बना के जाता है एट द एंड. ठीक है, तो चैलेंज तो हर जगह आया, बट जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम बात करें वो आता है फंड्स. ओके, बिकॉज मैंने जब ये प्रोजेक्ट सोचा था तो मैंने ये सोचा था, मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं इसको ये शेप देने वाली हूँ. मेरे माइंड में था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी, दैट्स माय फोर्टे. एंड उस वक्त मुझे ना टेक्नोलॉजी नहीं आती थी. जब मैंने आइडिया कंसीव किया, आई हैड नो क्लू. मैं उस एरा की नहीं हूँ कि ये इंटरनेट और ये वेबसाइट और ये सब चीजें क्या होती है, मुझे इतना आइडिया नहीं था. तो पता था वेबसाइट कोई चीज होती है जिसमें डाला जा सकता है. तो मैंने ऐसे माइंड में ना, फैंटेसी वर्ल्ड होता है बच्चों का भी होता है, तो मेरा भी था कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उसमें कंटेंट डाल देंगे, फ्री होगा, पेरेंट्स आएंगे, डाउनलोड करेंगे और हो जाएगा. जब करने लगे तो पता चला जी हर चीज में खर्चा आता है, तो अब खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए, पैसे के लिए इनकम भी चाहिए, यू नो दैट इज हाउ इट बिकम अ कमर्शियल प्रोडक्ट. सो द आइडिया वॉज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, द आइडिया वॉज टू गिव टू पेरेंट्स. बट somehow मजबूरियां रही फंड्स की बहुत बड़ी, कि मुझे इसको मार्केट के हिसाब से मोल्ड करना पड़ा सारे मॉडल को. एंड देन वी हैव अ वेबसाइट, वी आर प्रेजेंट ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया. एंड देन आई लर्न ऑल अबाउट दिस ई दुनिया, व्हाट इज दिस, हाउ डू वी डू मार्केटिंग. मुझे मार्केटिंग का एम नहीं आता था. आई लर्न ऑल बाय माई सेल्फ. आई एम द मार्केटिंग हेड ऑफ माई कंपनी, आई एम द सेल्स पर्सन ऑफ माई कंपनी, आई एम द कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ माई कंपनी. आई डिड एवरीथिंग माई सेल्फ फर्स्ट. And then I hand it over. I'm very, very picky about whom I am giving it to. So I'm very choosy about the people I choose. So challenges, funds, and challenge in people believing in the concept. कि एक बच्चे को parents कहते हैं कि इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये क्या mindset है. एक parent ऐसा होता है जो बच्चा पैदा होने से पहले मेरे जैसा भी होता है कि इकट्ठा करने लग जाता है resources, you know. ये भी दोनों एक्सट्रीम्स हैं, मैं अपने आपको भी एक्सट्रीम में डाल रही हूँ. तो लोगों के माइंडसेट के साथ डील करना इज वन चैलेंज, फंड्स के साथ डील करना इज अनदर चैलेंज, एंड थर्ड चैलेंज इज व्हेन यू अप्रोच अदर पीपल हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री, दे आर डूइंग बिजनेस, एंड व्हेन यू सीक अप्रोच देम एंड प्रपोज देम फॉर अ बिजनेस पार्टनरशिप. They just talk about money. Right. They are looking only into money. अगर business perspective से देखें तो बिल्कुल सही है, but they are not looking into the benefit of the society at all. वो कहते हैं कि compromise कर लो, but पैसा first priority है. मैंने कहा मैं compromise नहीं करूंगी, because मैंने पैसा कमाने के लिए business start ही नहीं किया था. तो मैं अपने vision में उस ethic value को drop नहीं कर सकती हूँ. So everyone who advised me to drop those ethics. तो दे सेड कि पैसा बहुत आ जाएगा. फिर मैंने कहा तो मैं नहीं करूंगी, आई डोंट माइंड बीइंग स्लो, बट आई वोंट ड्रॉप दैट. वही तो मेरे पिलर्स हैं, उसको थोड़ा मैं छोड़ दूंगी. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड. बाकी की चीजें तो रिजॉल्वेबल है, इसको मैं कैसे करूंगी. आई रियलाइज ड्यूरिंग दिस टाइम कि आउट ऑफ 10 9 बिजनेस पर्संस ओनर्स आर डूइंग द बिजनेस विद अ विजन ऑफ अर्निंग मनी. सपोर्ट सिस्टम, आपका जो सपोर्ट सिस्टम था वो आपको कहाँ से मिला? Who all supported you during that? Everyone. In the family. सबसे पहले तो मैं खुद हूँ उसमें, क्योंकि अगर मैं ही मिसिंग हूँ तो फिर बाकी का सपोर्ट काम नहीं आ सकता. ठीक है, एंड माय फैमिली, माय ओन चिल्ड्रन, माय स्टाफ, माय कम्युनिटी, एवरीवन, सबने सपोर्ट किया थ्रू आउट. Okay. And ma'am, how many employees are there in your company? Bada mushkil question hai, because there are so many people working from home. Main counting bhi nahi kiya abhi tak. Mujhe karna padega. Okay. And what are you planning something next, ma'am? Any new thing you want to enter into, or you want to grow your existing baby?
प्लान तो हमारा ना बहुत सालों का रेडी है बट वी डोंट अनाउंस इट बिकॉज देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग अस सो लेट देम कीप फॉलोइंग ओके सो वी बी नेक्स्ट इन द लिस्ट मैम कैन यू रिकलेक्ट एनी स्टोरी ऑफ योर चाइल्डहुड एनी स्टोरी व्हिच मेक्स एन इंपैक्ट इन योर लाइफ एंड इट स्टिल हैव एक तो ये है छोटी सी है बट वो मेरे मैंने वाज इन ग्रेड 3 मुझे ये मल्टीप्लिकेशन टेबल समझ नहीं आते थे क्योंकि हमारे टाइम में इनको याद करवाया जाता था कि याद कर लो ठीक है तो हमें बोला गया सुनाने के लिए मुझे नहीं आता था देन आई गॉट पनिश्ड एंड आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल तो हमारे कॉन्वेंट स्कूल में मारपिटाई तो होती नहीं है दे डोंट हिट अस तो किसी ना किसी तरीके से हमें पनिश भी करना होता है बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स एंड ऑल दैट तो वो एक चार्ट पेपर की कैप बना के ना सर पे बना के एंड देन दे मेड मी सिट इन सम अदर ग्रेड कि आपको इतना नहीं आता तो यू सिट देयर सो दैट वॉज वेरी एम्बैरसिंग फॉर मी कि ये क्या हो गया मेरे साथ टाइप्स तो मैथ्स वॉज वन सब्जेक्ट जिसके लिए मुझे पनिशमेंट मिला और दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जस्ट स्टडीड इन आईआईटी दिल्ली आई पोस्ट ग्रेजुएटेड इन दिस सो इससे मुझे ये पता चला कि जो हम बहुत अर्ली स्टेज पे कंक्लूड करने लग जाते हैं अपने बच्चों को लेकर मतलब ग्रेड 3 में मल्टीप्लीकेशन टेबल ना आना एक पेरेंट के लिए आज एक कंक्लूजन हो सकता है इसका मैथ्स वीक है ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज सबसे पहले तो हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्रांड करना छोड़ दें लेबल करना छोड़ते हैं कंक्लूजन नहीं निकाले इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड बच्चा इज एट अ ग्रोइंग स्टेज उसको मालूम नहीं क्या अच्छा लग रहा है सीखना इस वक्त में एंड ये कंक्लूजन किसी भी स्टेज में मत निकालो इवन इफ वो जॉब कर रहे हैं तब भी मत निकालो आपको नहीं पता वो कल को आके एकदम खड़ा होएगा कि मुझे ऐसे जॉब ही नहीं करनी मुझे कुछ और करना है ये कभी नहीं खत्म होगा आज अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे ना अपने अंदर जाके आप भी शायद वो नहीं कर रहे हो जो आप चाहते हो करना और हम बच्चे के लिए इतनी छोटी उम्र में हम कंक्लूजन्स निकालते हैं और उनको ब्रांड करने लगते हैं बिल्कुल उनको बाउंड्रीज देना छोड़ दो हर चीज की अग्री मैम अग्री एनी एनी एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू सजेस्ट द न्यू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इन 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 प्रोबब्ली वी कैन से योर सेक्टर नहीं मैं सभी देखो मेरा ही मानना है कि डूइंग बिजनेस इज एज गुड एज बीइंग अ पेरेंट फर्क इतना सा है कि वहां पे एक बच्चे को एक जीते जाते इंसान की नर्चरिंग कर रहे हो एंड बिजनेस के अंदर आप एक विजन का नर्चर कर रहे होते हो ठीक है एंड नो बिजनेस स्टोरी इज यूनिक येट दे आर वेरी सिमिलर लाइक यू सेड यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज यू आर अ मदर आई एम अ मदर येट वी आर वेरी डिफरेंट So business stories are also like this. They are very different from each other, yet they have some common ground as well. तो वो जो common ground होता है, वो challenges को लेके and ethics को लेके होता है. तो क्या होता है कि हम अपने challenges में कई बार इतना first जाते हैं as business owners कि we start compromising on ethics. तो मैं तो यही बोलूँगी कि irrespective of किसी भी sector में हो, does not matter. Ethics तो ethics है. How can you drop them? अब कोई पेरेंट अमीर है या कोई गरीब है क्या एथिक्स बदल जाएंगे क्या ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर क्लास के पेरेंट्स बच्चों को सच बोलना सिखा रहे हैं दूसरे क्लास के पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं झूठ बोलने से चलता है ऐसा नहीं होगा सो जब क्लैरिटी नहीं होगी ना थॉट्स के अंदर फिर एट द एंड देखो पैसे की रेस में दौड़ना है तो एक तो अलग बात है फिर दौड़ो फिर तो कुछ भी करो देयर इज नो लिमिट टू इट ना पैसे की कोई अंत है और ना ही गलत रास्ते की कोई अंत है बट आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कौन से रास्ते में चलना है agree. Agree, ma'am. आपको कभी ऐसा लगता है कि generally women are more ethical than men in workplace? इसका आंसर बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है बिल्कुल क्योंकि ये जो मैन वुमेन है ना ये स्पिरिचुअलिटी से बाहर का क्वेश्चन है यानी कि व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज तभी तो मुझे पता है आप औरत हो ये लड़की है वो लड़का है वो आदमी है या वो जानवर है मेरी आत्मा ऐसे नहीं देख रही है किसी को भी सो ये जो मेन वुमेन बनाया है
या हमने जो रिलीजन बनाया है, सब हमने बनाया इस बाहर की दुनिया में। मुझे नहीं पता मैं पिछले जन्म में क्या थी, मुझे तेरे पता नहीं मैं मनुष्य थी भी कि नहीं थी, बट मैं वही हूं। सो जो एथिक्स होते हैं ना, वो इस शरीर के साथ नहीं जुड़े हुए होते, वो से कहीं ज्यादा डीपर एक लेयर होती है हमारे अंदर, जिसको स्पिरिचुअल की दुनिया में जाएंगे तो अंत में जाके आपको आंसर मिलेगा सोल, वहां से आती है। तो उसका लेना देना इस बात से तो नहीं है कि वो आदमी है या औरत है, क्या है, किस क्लास का है, ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं मानती, उसका सर्कमस्टांसेस उसकी मजबूरी बन जाए वो अलग बात है। That's right. So nice, ma'am. Kitna acha hai. So next, ma'am. What makes you happy? And what makes you sad? वैसे तो मैं पूरा दिन खुश रहती हूँ, हर बात से खुश रहती हूँ, हर जगह खुश रहती हूँ। क्योंकि मतलब मैं जनरली हैप्पी रहती हूँ। दुखी किससे होती हूँ? मैं मोमेंट्री होती हूँ, दुखी अगर होती हूँ तो बहुत मोमेंट्री होता है। एंड कारण कुछ भी हो सकता है दुखी होने का, बट वो बहुत मोमेंट्री होता है। एंड देन आई केम कम आउट ऑफ इट बाय सेल्फ एनालिसिस, खुद से बात करती हूँ कि क्या बात तंग कर रही है, चल बताओ तुझे क्या तंग कर रहा है। सो सरफेस पे जो आंसर आता है, फिर जब उसके डिगिंग करती हूँ तो पता चलता है कि ये तो रियल आंसर नहीं है। जब और डिगिंग करती हूँ तो पता चलता है कोई बात ही नहीं थी दुखी होने की, फिर ठीक हो जाते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट इज नॉट कि आप दुखी हो रहे हो सुखी हो रहे हो, दुखी होना सुखी होना दोनों का सोर्स एक ही होता है, अटैचमेंट्स। ठीक है, हम सुखी भी उसी रीजन से होते हैं, दुखी भी उसी रीजन से होते हैं। द पॉइंट इज कि आप उसमें कितनी देर स्टे करते हो, क्या आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं कि आप उसे बाहर आना जानते हो, वो इम्पोर्टेंट है जानना। अगर अगर आप हंसना जानते हो ना तो आपको रोना भी आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में सुख है और दुख नहीं है, और दुख है तो सुख नहीं है, ये दोनों साथ चलेंगे, और छूटेंगे तो दोनों छूटेंगे। So true, ma'am. तब से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमें आपकी सुनना है। अच्छी बात है मैम, Indu ma'am, first of all, thank you so much for taking this initiative, because I have been there. I was the student like this, like in my childhood, third and fourth class, who always called as duffer. But eventually I grew, and later I got 90% in my 12th. So that the push you are giving is really necessary in the school, like for Indian school especially. So thank you so much, and it's a great initiative. Thanks. That's all. Thank you so much for all of you. मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। आप लोग किंजल एंड मेवांशन ने कुछ बोला नहीं ज़्यादा, but their face are communicating so much to me. So I would love to hear more from you. So stay in touch. Yes. Sure, ma'am. I'll try my 100%. I can able to do justice to whatever your feelings and emotions are when you are talking about yourself and your company. And trust me, ma'am. I'll try to get it published. This is something which is back in my mind, which is there, and I'll surely send it to you also. And another thing, I'll be disturbing you very often now. Disturbing got a double fan. तो आप उसको कुछ भी समझ लीजिए, बट मैं बहुत क्वाइट एंड ऑफन मिलती रहूंगी अब। ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।